जानते हो इतिहास में एक वक्त ऐसा भी था जब तमिल शैवों ने बौद्धों को धूल चटा दी थी। यह कहानी है संघर्ष की, धर्म और सत्ता की लड़ाई की, जिसने दक्षिण भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। चलो आज बात करते हैं पांड्यन युद्ध की, पराक्रम बाहु की और तमिल धरती पर बौद्धों के हमले की। यह वह समय था जब तमिलनाडु की भूमि पर बौद्ध और हिंदू समुदायों के बीच संघर्ष अपने चरम पर था। चोल राजा राजाधिराज द्वितीय के राज्य में पांड्यन साम्राज्य में गद्दी के लिए गृहयुद्ध छिड़ गया। इस गृहयुद्ध ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया और बाहरी शक्तियों को हस्तक्षेप करने का मौका दिया। इसी बीच पांड्यन पक्ष के एक नेता ने सीलोन के राजा पराक्रम बाहु प्रथम से मदद मांग ली। पराक्रम बाहु ने इस अवसर को अपने साम्राज्य विस्तार के लिए एक सुनहरा मौका समझा। पराक्रम बाहु ने अपने सेनापति लंकापुरा दंडनाथ को पांड्यन की मदद के लिए भेज दिया। लंकापुरा एक कुशल और निर्दयी सेनापति था जिसने अपने राजा के आदेश का पालन करते हुए तमिल धरती पर कहर बरपाया। लंकापुरा ने रामेश्वरम पर धावा बोल दिया और गांवों को तहस नहस कर दिया। उसकी सेना ने निर्दोष ग्रामीणों को मार डाला और उनके घरों को जला दिया। लंकापुरा के इस हमले से तमिल धरती बर्बाद हो गई, खेत खलिहान जल गए और लोग अपने घरों से बेघर हो गए। यह हमला तमिल लोगों के लिए एक भयानक त्रासदी बन गया। मदुरई तक आते आते लंकापुरा ने रास्ते में जो भी विद्रोही या ग्रामीण मिला सबको काट डाला। उसकी सेना ने हर जगह आतंक मचा दिया और विद्रोह को कुचल दिया। हजारों बेगुनाहों की जाने गई, हर तरफ लाशें ही लाशें थी। यह नरसंहार इतिहास के पन्नों में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गया। इतिहास बताता है कि लंकापुरा की सेना ने रामेश्वरम मंदिर के दरवाजे उखाड़ फेंके और शिव पूजा बंद करवा दी। यह धार्मिक स्थलों का अपमान था जिसने तमिल शैवों को गहरे आघात में डाल दिया। मंदिर का खजाना लूटकर स्थानीय लोगों को गुलाम बनाकर श्रीलंका भेज दिया गया। यह लूटपाट और गुलामी का दौर तमिल समाज के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। इधर कुलशेखर पांड्या ने चोल राजा राजाधिराज द्वितीय से गुहार लगाई। कुलशेखर पांड्या ने चोल राजा से मदद की उम्मीद की ताकि वह अपने राज्य को फिर से स्थापित कर सके। राजाधिराज द्वितीय ने फौरन पल्लवरायण पिल्लई को भेजा जिसने बौद्ध सेना को करारी मात दी। पल्लवरायण पिल्लई ने अपनी रणनीति और वीरता से बौद्ध सेना को परास्त कर दिया। पल्लवरायण ने मदुरई के दरवाजे पर बौद्ध सेनापतियों के सिर काट दिए और पांड्य राजा कुलशेखर को फिर से गद्दी पर बैठाया। इस विजय ने तमिल शैवों को एक नई उम्मीद दी। पराक्रम बाहु ने तमिल धरती पर एक और लड़ाई की सोची, लेकिन पल्लवरायण ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए पराक्रम बाहु के भतीजे श्री वल्लभ को गद्दी का दावेदार बना दिया। इस चाल ने पराक्रम बाहु की योजनाओं को विफल कर दिया। इस लड़ाई में चोल और सीलोन नौसेना में भिड़ंत हुई जिसमें सीलोन राजा को हार का मुंह देखना पड़ा। यह समुद्री युद्ध तमिल शैवों की एक और बड़ी जीत साबित हुआ। और दोस्तों, इस तरह तमिल शैवों ने सिंहली बौद्धों से रामेश्वर लूट का बदला ले लिया। ये बदला तमिल शैवों के लिए एक महत्वपूर्ण विजय थी जिसने उनके आत्मसम्मान को बहाल किया।